बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पेपर आयकर में। आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं, जो भी छात्र मेरठ यूनिवर्सिटी से है उसके लिए हम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। 2022 में आने वाले क्वेश्चन है ये, ठीक है। आप इन क्वेश्चनों को जरूर पढ़ के जाना है। जो भी BSc फर्स्ट सेमेस्टर में है उनके लिए हम बॉटनी का पेपर लेके आए हैं। बॉटनी पेपर का नाम हो जाएगा माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी। इस पेपर का नाम हो जाएगा, इस यूनिट नंबर हम फर्स्ट में देखेंगे। ये फर्स्ट पेपर है, मतलब फर्स्ट पेपर नहीं, ये पूरा है फर्स्ट ईयर का। जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है वो फर्स्ट सेमेस्टर है उसका ही आप बॉटनी का पेपर देख रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ इस जो माइक्रोबायोलॉजी प्लांट पैथोलॉजी है इस पेपर में हम ये देखेंगे कि 2022 में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे मेरठ यूनिवर्सिटी के लिए हम, ठीक है। जो मेरठ यूनिवर्सिटी है जिसे CCS यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है, तो उसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या रहने वाला है। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और दोस्तों को शेयर कर देना है। यहाँ देख लीजिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, सूक्ष्म जीवों के जो कह सकते हैं विसंक्रमण की विधि है वो किस तरीके से होती है। देखो, एक होता है विसंक्रमण की विधि। विसंक्रमण का मतलब होता है जो कह सकते हैं ना, एक मेथड से विसंक्रमण से हम स्टरलाइजेशन बोलते हैं, तो उसकी आपको मेथड बता देना है, ठीक है। और माइक्रोस्कोप के बारे में आप देख लेना, माइक्रोस्कोप के बारे में आपको वर्णन कर देना है, मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा ये क्वेश्चन। एक आपको पता होगा कि जो बैक्टीरिया होते हैं उन बैक्टीरिया को स्टेन करने की तकनीक क्या होती है, स्टेन करने की विधि के बारे में। और आप ये देखेंगे ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कौन से होते हैं उनके बारे में याद करेंगे, ठीक है। सूक्ष्म जैविक किण्वन क्या होता है, सूक्ष्म जैविक किण्वन के बारे में हम पढ़ेंगे। सूक्ष्म जैविक किण्वन क्या होता है, माइक्रो, देखो एक होता है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का वर्णन, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के बारे में भी आप याद करके जाएंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर क्या होता है। उसके बाद में पटलीय प्रवाह क्या होती है, पटलीय प्रवाह और आउटलेट, देखो इसमें पटलीय प्रवाह को देखना है तो देख सकते हो लेकिन वरना इतनी जरूरत नहीं है। लेकिन बैक्टीरिया किस तरीके से आपका जनन करते हैं, तो देखो आता है जो रिप्रोडक्शन करते हैं, मतलब कि जो जनन करते हैं बैक्टीरिया वो किस तरीके से करते हैं, ये क्वेश्चन बनता है। जीवाणु भोजी के बारे में भी याद करके जाइएगा, ठीक है। और बैक्टीरिया की कोशिका के बारे में, कोशिका संरचना के बारे में भी याद करके जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवाणु के आकार कैसा होता है, तो जीवाणु का आकार देख लेना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसके बाद में वायराइड्स क्या होते हैं, वायराइड्स को पढ़ लेना, वायरस को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो जो क्वेश्चन बता रहा हूँ वही पढ़ना है। उसके बाद में आपको देखो एंटीओ कह सकते हैं एक्टिनो जो माइसिटीज होता है उसके बारे में आप देख लेना है, उसका क्लासिफिकेशन के बारे में आपको याद कर लेना है। वहीं बात करें तो कह सकते हैं यूकेरियोटिक कोशिका क्या होती है, यूकेरियोटिक कोशिका के अंदर आप देखेंगे माइटोकांड्रिया, राइजोसोम, गुणसूत्र और लाइजोसोम के बारे में, ये क्वेश्चन आप याद करेंगे। ग्राम अभिरंजक क्या होते हैं, ग्राम अभिरंजक के बारे में याद करेंगे, ठीक है। उसके बाद बैक्टीरिया का पोषण किस तरीके से होता है, बैक्टीरिया में जो पोषण होता है वो किस टाइप से होता है, आप ये क्वेश्चन याद करके जाएंगे। और शैवाल जनन किस तरीके से करते हैं, जैसे बैक्टीरिया जनन करता है उसके हिसाब से ही आपको शैवाल के भी जनन के बारे में देखना पड़ेगा। वॉल बॉक्स क्या होता है, तो वॉल बॉक्स के लैंगिक जनन के बारे में याद कर लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। और उसमें वॉल बॉक्स में जो सोनोबियम होता है उसकी संरचना के बारे में, ठीक है, ये आप याद करेंगे। वहीं मैं बात करूँ, आपको देखा होगा कि जो ओगोडोनियम होता है उसके आवास और कोशिका संरचना के बारे में, मतलब कोशिका उसकी संरचना कैसी होती है और वो चीज़ देखेंगे। ऑक्टोकार्पस इज मोस्ट इंपोर्टेंट है, उसके संरचना के बारे में आप देखेंगे, संरचना और जनन किस तरीके से करता है ऑक्टोकार्पस, ठीक है, ये क्वेश्चन देखेंगे। और कारा के जनन अंग के बारे में आप याद करके जाएंगे, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। और बहुकोश की जीवाणुधुनी के बारे में छोड़ देना है, और कह सकते हैं पॉलमेला और अंडधमनी कह सकते हैं अंडधमनी की संरचना के बारे में, हो सके तो पढ़ लेना वरना कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ने की जरूरत नहीं है। नीचे जाइए और देखिए हाइड्रोसियम ईस्ट जो रेस्ट होता है, हाइड्रोसियम रेस्ट के जीवन चक्र के बारे में और उसके रोकथाम किस तरीके से होता है, ये क्वेश्चन हम देखेंगे। राइजोपस की बात करें तो राइजोपस का लैंगिक और अलैंगिक जनन दोनों देखेंगे, राइजोपस का लैंगिक अलैंगिक दोनों जनन किस तरीके से होता है वो आप देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे, देखिए नीचे जाएंगे और एग्रीकस की लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ के जाएंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्रीकस के बारे में। और जो क्वेश्चन दे रहा हूँ उसके अलावा कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरठ यूनिवर्सिटी वालों याद रखना है आपको, बस इतना क्वेश्चन पढ़ के जाना है। बाकी मशरूम क्या है, मशरूम का उत्पादन कैसे होता है, उसकी खेती कैसे होती है, ये हम याद करेंगे। मशरूम बहुत ज़्यादा शिकंजाबंद क्या होता है, आप इसको पढ़ लेना है। उसके बाद नीचे चले जाइए और अनुवंशिक, देखो जेनेटिक रिकम्बिनेशन जिस बोलते हैं उसको पढ़ के जाना है। और लैंगिक क्या होता है आप ये देखेंगे, ठीक है, इसको आप ध्यान से देखेंगे, समझ रहे हो कि लाइकेंस क्या होते हैं। अब देखो अनुवंशिक के आप रिकम्बिनेशन को बारे देखेंगे, मतलब कि जो अनुवंशिक संयोजन होता है वो किस तरीके से होता है, और लाइकेंस क्या होते हैं उनके महत्व और उनके सुकाय संरचना के बारे में आप देखेंगे, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। आप नीचे जाएंगे, मशरूम की खेती कैसी होती है ये मैं आपको बता रखा हूँ, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, आप इसको जरूर पढ़ लेना है। और उसके बाद में आपको देखो पादप रोगों का वर्गीकरण और पादप रोगों के लक्षण उनके रोकथाम किस तरीके से किए जाते हैं हम ये देखेंगे। और लास्ट में हम ये चाहेंगे कि अब ये जरूर देख लेना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है उसको, देखो पादप संक्रमण किस तरीके से होता है, इन्फेक्शन कैसे होता है, पौधों में जो होता है रोगों का इन्फेक्शन कैसे फैलता है, एक स्थान से दूसरे पौधे में कैसे इन्फेक्शन होता है उसके बारे में आप याद करेंगे, ठीक है।
उसके बाद में तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। देखिए ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो रहे हैं, जो जो बता रहा हूँ वही क्वेश्चन पढ़ के जाना है, बाकी कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक दो क्वेश्चन आप अपनी तरफ से पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत तो ठीक है। तो बाकी कोई भी क्वेश्चन मतलब कह सकते हैं अनजान के थ्रू आ जाए, मतलब कहते हैं गलती से भी वहाँ से छप जाए उन लोगों से, तो भी आप उस क्वेश्चन को बना बना के लिख देना, लेकिन छोड़ के कोई क्वेश्चन नहीं आना है, इस बात को याद रखना है ठीक है। संभागी जो फफूंद नाशक होता है उसके बारे में हम याद करेंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गन्ने का देखो, गन्ने का रेड कह सकते हैं, गन्ने का जो रेड रोग होता है उसके किस तरीके से आप रोकथाम करेंगे, लक्षण क्या है वो आप याद करेंगे। और साथ ही साथ जो कह सकते हैं आलू का जो आलू में जो टैड कह सकते हैं ब्लाइट रोग लग जाता है, ब्लाइट रोग जिसे बोलते हैं, इसका लक्षण के बारे में आप याद करेंगे। और नीचे जाएंगे आप ये देखेंगे, एक क्वेश्चन आपको देखो सिट्रस कैंसर को देख लेना है ठीक है, नींबू का सिट्रस कैंसर को देखना है, और तंबाकू का मोजिक रोग और गेहूं का काला तना रोग, बस ये क्वेश्चन ये रोग देखना है, इनके निवारण कैसे करेंगे क्या है ये आप इतना टिक लगा लेना है। विटामिन क्या होते हैं, विटामिन को याद करिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रकार को याद कर लेना है, और एंजाइम का वर्गीकरण क्लासिफिकेशन किस तरीके से होता है आप इसको पढ़ेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वहीं बात की जाए आप माइक्रोप्लाज्म इसको छोड़ देना है, और किडनीकरण क्या होता है आप इसको करेंगे, किडनीकरण को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एलोजा क्या होता है, एजोला क्या होता है, एजोला को पढ़ लेंगे, और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण के जीवाणु कौन कौन से होते हैं ठीक है, और ट्राइकोडर्मा हो तो ट्राइकोडर्मा पढ़ सकते हैं, बस ये क्वेश्चन है। बाकी जैविक सूचांक को पढ़ लेना, जैविक सूचांक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये था 2022 में आने वाले क्वेश्चन मेरठ यूनिवर्सिटी सीसीएस यूनिवर्सिटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, इसके अलावा तो आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यही क्वेश्चन आप देखकर 85% प्लस ला सकते हैं। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।